आ जाए तो फिर पीछे से कराना पड़े। तो वो 10 गज के वो 20 कमरे बुक हो गए, वो हो गया। आप सोचा आप नहीं करना है, किसी को नहीं लेना है, फिर और हुआ, अब क्या करें, फिर एक और बुक करवानी पड़ी। इतना वैष्णव का मन, तो वो ठाकुर जी की कृपा उन जीवों पे, उनका ऐसा भाव ऐसा मन बना कि ये पुरुषोत्तम मास में हमें भी ब्रज में जाना है। तो यहां पे आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, प्रभु के द्वारा चुने हुए सिलेक्टेड वैष्णव यहां पे आप सब बैठे हैं, तो ये जो कृपा हम पर हुई है, तो बस जो भी कथा के माध्यम से, हमारे वाणी से, क्रिया से, मन से, किसी भी प्रकार से किसी अन्य वैष्णवों को दुख ना पहुंचे, इस प्रकार का व्यवहार संयम बनाते और कथा में मन लगाते हुए, ध्यान से एकाग्रता से कथा को श्रवण करते हुए, इसी भाव के साथ आइए, यह श्रीमद् भागवत जो साक्षात श्रीनाथ जी का ही स्वरूप है, इस यह दिव्य भागवत, इसकी कथा, इसकी भूमिका में हम प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत का, उसकी महिमा, भगवान अपने स्वमुख से वर्णन करते हुए कहते हैं, कथम सह वैष्णवो ज्ञेयः शास्त्रम भागवतम कलौ गृहे न तिष्ठते यस्य स्वपचाद अधिको ही सह। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र नहीं विराजता, जिसके घर में भागवत जी नहीं है, तो उस जीव को वैष्णव कैसे कहा जा सकता है। और हमारे आचार्य श्री हरिराय महाप्रभु आज्ञा करते हैं, नाश्रितो वल्लभाधीशो नच द्रष्टा सुबोधिनी नाराधिराधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले। मानव जन्म पाकर जिसने शिवलभाचार्य जी का आश्रय नहीं किया, नच द्रष्टा सुबोधिनी, जिसने सुबोधिनी जी के दर्शन भी नहीं किए, जिसने भगवत सेवा नहीं की, भक्ति नहीं की, तो फिर ऐसा जीवन, हाँ वह तो जीवन है ही नहीं। वृथा तज्जन्म भूतले, उसका जन्म भूतल पर व्यर्थ है। गायो न गोपाल मन लाग्यो, न रासलीला सुनी, न सुबोधनी, न साधु संग पायो है, रसिक कहे बारंबार लाजहु न आवे तोहे, मानव जन्म पायो है कहाँ लो कमाए। गायो न गोपाल मन लाग्यो, न रासलीला सुनी, न सुबोधनी, न साधु संग पायो। जो इतनी इतनी चीजें तूने नहीं पाई मानव जन्म प्राप्त करके, तो फिर तूने क्या पाया। भगवत नाम भगवत धन तूने कमाया नहीं। मन लाग्यो न रासलीला, सुबोधनी जी का श्रवण नहीं किया, भक्तों का संग नहीं किया, सत्संग नहीं किया, तो फिर तू क्या चीज कमा रहा है। कौन से पदार्थों को कमाने में तू लगा हुआ है, जीवन तेरा ऐसा ही व्यर्थ हो गया। मानव जन्म पायो है कहां लो कमायो है, तो मानव जन्म का परम फल तो ये सब है। गोपियों ने क्या कहा, अक्षण वदाम फलम इदम न परम विदामह। अक्ष यानी आंख, वेणु गीत में गोपियां कहती है, सखी ये जीवन का परम फल क्या है,
ये आंखों का परम फल क्या है कि वह श्याम सुंदर वह ठाकुर जी के दर्शन करने। श्री आचार्य चरण ने सुबोधनी जी अंतर्गत अक्ष शब्द की व्याख्या की है और बताया कि अक्ष से एकादश इंद्रियों का संकेत किया कि केवल आंखों की सार्थकता ही नहीं अपितु एकादश इंद्रियों की सार्थकता, इंद्रियधारी मनुष्य की सार्थकता, परम फल क्या है कि वह ठाकुर जी में लग जाए, यही जीवन का परम फल है। और जो यही सब हमने नहीं कमाया है, तो भक्तजन कह रहे हैं, भगवती बता रहे हैं, मानव जन्म पायो है कहां लो कमायो है। तो एक अपने लक्ष्य ध्येय दृढ़ बना के रखें कि हमारा लक्ष्य क्या है। हर एक जीव मात्र मनुष्य का लक्ष्य क्या है, श्री महाप्रभु जी ने बताया, कृष्ण एव गतिर ममः। हरेक वैष्णव हरेक जीव का केवल एकमात्र लक्ष्य कृष्ण एव, कृष्ण ही हम सबका मूल लक्ष्य है। और जब तक वो लक्ष्य को जीव नहीं समझेगा तब तक उसको आनंद संतोष का अनुभव नहीं होगा। संसार आसक्त जीव अपनी अल्प बुद्धि से अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर रखता है, लेकिन वास्तविक रूप से वो उसका लक्ष्य नहीं है। जो वो लक्ष्य उसका होता तो वो प्राप्त करने के बाद उसको संतोष होता, सुख मिलता, लेकिन वह सुख वह संतोष सर्वकालीन नहीं है, सर्वदा नहीं है। सरलता से समझें तो जैसे कोई विद्यार्थी हो, स्टूडेंट, वो अपना कुछ लक्ष्य बना देता है, हाँ मैं इंजीनियरिंग कर लूं, मैं सीए बन जाऊं, कि मैं मैनेजमेंट कर लूं, बेड़ा पार हो गया, ये उसका लक्ष्य। अब वो बन भी गया, लेकिन उसके बाद फिर उसका लक्ष्य बदल जाता है, अब कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में उसको लग जाए, वो उसका लक्ष्य लग भी गया, फिर उसके बाद कुछ लक्ष्य उसका बदलते जाता है, लक्ष्य बदलते जाता है, लक्ष्य बदलते जाता है, वो लक्ष्य एक रहता नहीं है। जैसे कोई साधारण परिस्थिति का हो, किराए के घर में रहता हो तो सोचता है खुद का घर हो जाए तो शांति, खुद का घर बन गया तो अब सोचे कि भाई बड़ा बंगला हो जाए तो शांति, बड़ा बंगला हो जाए तो भैया खाड़ी बड़े बंगले से क्या होगा, कुछ दो पांच दस गाड़ियां सो हैं, कुछ अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल जाए तो बढ़िया। तो एक के बाद एक लक्ष्य बदलते जाता है। कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ी थी कि भाई चाह आनों से पैसे बनाने लगी, चाह पैसों से नोटे छपाने लगी, चाह नोटों से कोठियां चुनवाने लगी, चाह कोठियों में गाड़ियां लाने लगी, चाह गाड़ी से होटल में ले जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलवाने लगी, और फिर चाह बोतल से अस्पताल में ले जाने लगी, चाह जी से मिली जी जरा हो गई, चाह हरी से मिली जी हरा हो गई। तो ये संसार की जो चाह इच्छाएं एक के बाद एक बदलती जाती है। जैसे छोटा बालक है, बहुत छोटा है तो माँ से उसको आनंद मिलता है, थोड़ा बड़ा हुआ खिलौने में आनंद आने लगा, थोड़ा बड़ा हुआ मित्र में आनंद आने लगा, थोड़ा बड़ा हुआ पत्नी में आनंद आने लगा, उससे थोड़ा बड़ा हुआ पुत्र में आनंद आने लगा, आगे बड़ा पौत्र में आनंद आने लगा। समय के साथ आनंद के पात्र बदलते जाते हैं, पदार्थ बदलते जाते हैं।
इस सब का मतलब ये है कि वास्तविक हमारा लक्ष्य ये सब है ही नहीं। हाँ, ये सब करना है, ठीक है, लेकिन मूल लक्ष्य क्या है? कृष्ण एव गतिर्ममः। और जब तक उस लक्ष्य को हम नहीं पहचानेंगे, उस अनुरूप हमारे कर्म नहीं होंगे, तब तक एक वास्तविक शाश्वत शांति आनंद का अनुभव जीव मात्र को हो ही नहीं सकता। वैष्णव, तो ये श्रीमद् भागवत हमारे लक्ष्य का स्मरण कराने वाली, लक्ष्य तक पहुंचाने वाली यह श्रीमद् भागवत कथा। अवतार काल में भगवान अपने स्वरूप, अपने प्रयास द्वारा जीव को निरोध सिद्ध करवाते हैं, अभी तो अनवतार काल में भागवत कथा के द्वारा ही जो भगवान का नामात्मक स्वरूप है उसके द्वारा ही जीव को निरोध सिद्ध हो सकता है। श्री महाप्रभु जी ने यह श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद, श्रीनाथ जी के द्वादश अंग बताए, द्वादशांगो वही पुरुष। श्रीनाथ जी बाबा के द्वादश अंग और ये भागवत के द्वादश स्कंद, उनकी अनुरूपता बताई है। संक्षिप्त में हम दर्शन करेंगे। एक एक स्कंद के साथ श्रीनाथ जी में रहे हुए, श्रीनाथ जी के पीठिका में विराजमान जितने भी चिन्ह हैं उनकी संगति श्री आचार्य चरण ने की है, जो श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में बताते हैं। जैसे श्रीनाथ जी की पीठिका, वह पीठिका में शुक है, वह शुक की संगति से महाप्रभु जी ने प्रथम और द्वितीय स्कंद के साथ की। अब वो श्रीनाथ जी हो या फिर आपके लालन हो या बालकृष्ण लाल जी हो या नवनीत प्रिया जी हो, इसमें कोई भेद नहीं है, ये बात समझ जाना। श्रीनाथ जी के ही बाद 12 संग, द्वादश स्कंद भागवत के 12 अंग, ऐसा नहीं आपके माथे विराजे हुए ठाकुर जी, वो तो आपके जैसे भाव ऐसे वो लीला करते हैं, ऐसे वो दर्शन देते हैं। तो ये हमारे अपनी कथा को अपने ठाकुर जी के साथ जोड़नी है। सेवा याम्बा कथा याम्बा यस्या शक्ति दृढ़ा भवे। सेवा और कथा भक्ति को साथ में निभाते हुए भक्ति मार्ग में चलना है। केवल सेवा ही नहीं और केवल कथा ही नहीं, हम सेवा भी करें और कथा भी श्रवण करें, पर जो कथा को भगवान के साथ न जोड़ा, आपने अपने विराजे हुए ठाकुर जी के साथ न जोड़ा, तो फिर वो आप कथा सुनो उसका कोई मतलब ही नहीं है। एक बात स्पष्ट रूप से मन में दृढ़ भाव बनाकर हमें यह कथा को सुनना है कि हम जिसकी कथा को सुनने जा रहे हैं, ये कथा मेरे माथे जो ठाकुर जी विराज रहे हैं, ये उनकी कथा है, ये उनकी लीला है, ये भाव दृढ़ होना चाहिए वैष्णव। नहीं तो भाई वो गोवर्धन उठाया 5000 वर्ष पूर्व सारस्वत कल्प में ठाकुर जी ने उठाया, ये पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में बताए गए हजारों के हजारों नाम, तो जब पाठ करें तो ये नाम, ये भाव दृढ़ हो के ये मेरे माथे जो ठाकुर जी विराज रहे हैं ये उसके हैं, नहीं तो आप सेवा भी करो और सत्संग भी कथा भी श्रवण करो, पर ये जो मन में भाव दृढ़ न रहा तो फिर दोनों व्यर्थ हो जाएगा।
तो कथा सुनते हुए अपने ठाकुर जी का स्मरण, ये उनकी लीलाएं हैं। क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने बताया, महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति ही। भक्ति की जो व्याख्या श्री आचार्य चरण ने की है, कैसी भक्ति? महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह। आप जिसकी सेवा कर रहे हो उसका महात्म ज्ञान, उनके अवतारों का ज्ञान, उनकी लीलाओं का ज्ञान, उनके कार्यों का ज्ञान, उनके स्वभाव का ज्ञान, ये ज्ञान होना चाहिए, तभी भक्ति हो पाएगी, तभी वो भक्ति कहलाएगी। कई लोग होते हैं कथा सुनते हैं लेकिन घर में ठाकुर जी नहीं विराजते, तो फिर वो अपनी कथा सुनने का फिर मतलब जो मूल फल है सेवा कथा का, वो हो नहीं पा रहा, वो हम करें नहीं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो कथा सुनना निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि अर्थ तो भगवान ही है, जो श्री महाप्रभु जी ने चतुश्लोकी में बताया। और भागवत सेवा करें तो हाँ, आज मैंने जिनकी कथाएं सुनी ये इनकी हैं, तो ये एक दृढ़ भाव के साथ आप कथा को सुनेंगे। महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़, भक्ति किसे कहेंगे? सुदृढ़ हो, समय काल के साथ बदल न जाए, परिस्थितियों में उसका बदलाव न आ जाए। सर्वतोधिक, सबसे अधिक, आपको जिन जिन सदस्यों के साथ, जिन जिन पदार्थों के साथ स्नेह है, लगाव है, उन सबसे अधिक अपने इष्ट अपने कृष्ण के साथ होना चाहिए। सर्वतोधिक यानी उन परिवार वालों के लिए कर्तव्यों को निभाते हुए सर्वप्रथम अपने ठाकुर जी का विचार करना। समझ में आ रही है बात? जब जब व्यावहारिक क्रियाएं, व्यावहारिक कर्म हम करते हैं, उन व्यावहारिक क्रियाओं को निभाने से पूर्व अपने ठाकुर जी का विचार करना कि मेरी ये क्रिया करने से या ये व्यवहार निभाने से कहीं मेरी पुष्टि मेड़ या मेरे ठाकुर जी को अप्रसन्नता तो नहीं आ रही। सर्वतोधिक स्नेह, सबसे अधिक। जैसे यशोदा मैया लाला को दुग्धपान करा रही थी, और जहां पे जो पद्मगंधा गाय को जो दूध दो, जहां पे अंगीठी पे देख उबल रो है, उफान आवे लगी, तो लाला को छोड़ो और भागी। और आगे प्रसंग लीलाओं में हम सुनेंगे कि भी ठाकुर जी ने क्या किया, तो भी ठाकुर जी ने सब नष्ट कर दिया, मथनी फोड़ दी, बंदरों को खवाए दियो, मथनी तोड़ दी। क्यों? क्योंकि सर्वतोधिक स्नेह नहीं हुआ, ठाकुर जी को छोड़ के उनका मन कहीं और गया। तो श्री महाप्रभु जी ये पुष्टि भक्ति बता रहे हैं, ठाकुर जी ने मथनी क्यों फोड़ी? यशोदा को निरोध सिद्ध करवाने के लिए, सब जगह से ध्यान हटके ठाकुर में आ जाए, या लिए प्रभु ने ऐसी लीला करी। यानी जब जब हमारी मथनियां फूटे, समझते हैं, जब अपनी मथनी फूटे अपने कर्मों के द्वारा जो हमने संचय किया हुआ है, और जब मथनी फूटी, नष्ट हुई, नुकसान हुई, समझ जाओ ठाकुर जी संकेत दे रहे हैं, तेरा मन वहां पे जा रहा है, मेरे पास आ जा, सर्वतोधिक नहीं रहा। ये बात तब समझनी है अपन को, कहीं कुछ नुकसान हो गया, कहीं कुछ मथनी नष्ट हो गई, दुखद समाचार मिल गए, समझ जाओ ठाकुर जी ने मथनी फोड़ दी, नष्ट कर दिया, सावधान कर रहे हैं, संभल जा, सर्वतोधिक नहीं है। तो श्री महाप्रभु जी जो बता रहे हैं, ये भक्ति महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह भक्ति ही।
तो ये भक्ति का स्वरूप है, ये पुष्टि भक्ति है। तो ये कथा का श्रवण करते हुए वैष्णवों, बस ये महात्मा ज्ञान कि मेरे घर में विराजे हुए, मेरे माथे जो ठाकुर जी विराज रहे हैं, बस मैं उनकी कथा का श्रवण कर रहा हूं। यानी जब मैं बात कर रहा हूं कि अभी द्वादशांगो वैपुर कह, यानी श्रीनाथ जी के द्वादश अंग और भागवत के 12 स्कंद, फिर वो श्रीनाथ जी हो या लालन हो या कोई भी स्वरूप हो, समझ जाओ आपके माथे विराजे ठाकुर। तो जैसे श्रीनाथ जी की जो पीठिका में शुक, उसकी संगति श्री महाप्रभु जी ने प्रथम और द्वितीय स्कंद के साथ की, क्योंकि प्रथम स्कंद में सुखदेव जी का आगमन है और दूसरे स्कंद में सुखदेव जी का उपदेश प्रारंभ है, तो वह प्रथम और द्वितीय स्कंद का सूचक है। श्रीनाथ जी की वाम भाग में रहा हुआ विराजमान एक मुनि, उसकी संगति श्री महाप्रभु जी ने तीसरे स्कंद के साथ की। माता देवहूति जी, उनको भक्ति योग समझाने के लिए, सांख्य शास्त्र प्रकट करने के लिए भगवान कपिल रूप धारण करके पधारे, जिसकी सुंदर कथा तृतीय स्कंद में आती है। तो वह तृतीय स्कंद का सूचक है। श्रीनाथ जी की पीठिका में विराजमान दो मुनि, वह चतुर्थ स्कंद का सूचक है। चतुर्थ स्कंद में जो दो मुनि हैं, यानी नर और नारायण, यानी ध्रुव जी जब वन में पधारे तो भगवान ने वन में उनको दर्शन दिए, तो वह श्रेष्ठ नर रूप से नारद जी, और चतुर्थ स्कंद में पृथु महाराज का चरित्र आता है। जब उन्होंने यज्ञ किए तो उन्हें यज्ञ के फल स्वरूप नारायण भगवान प्रकट हुए। तो वह दो जो मुनि विराजमान हैं, चतुर्थ स्कंद का सूचक है। श्रीनाथ जी जिस कंदरा में विराजमान है, यानी जो पीठिका है, वह गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी के कंदरा यानी निकुंज के द्वार में श्रीनाथ जी ठाड़े हैं, उसकी संगति वह पंचम स्कंद का सूचक है, क्योंकि पंचम स्कंद में खगोल भूगोल आदि नदियों पहाड़ों पर्वतों का वर्णन मिलता है। तो वो जो पीठिका यानी जो गिरिराज जी की जो कंदरा, वह पंचम स्कंद का प्रतीक है। छठा स्कंद जिसकी संगति श्री आचार्य चरण ने श्रीनाथ जी की पीठिका में विराजमान जो दो गाय हैं उसके साथ की, वो जो दो गाय, एक गाय और उसका दूसरा उसका बछड़ा, जिसको पुष्टि लीला श्री महाप्रभु जी बताते हैं। छठा स्कंद यानी जैसे बछड़ा दुग्धपान करते हुए माता